डियर स्टूडेंट, आज हम 3D सीरीज के एलिमेंटों की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इस केमिस्ट्री में हम जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे वो लेंगे 3D श्रेणी के तत्वों की परमाणविक परमाणवीय और आयनिक भुजा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। देखिए, इससे पूर्व के लेक्चर में हमने 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे और मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 3D श्रेणी के तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो दो चीज़ों पर यहाँ पर निर्भर करती है। मोस्टली ज़्यादातर गुणन दो फैक्टर्स पर या दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, एक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा इनके परमाणवीय को आयनिक त्रिज्या या इनके आकार। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में कल जो है लेक्चर में पढ़ा था पूरा डिटेल से। अब हम उसी क्रम में यहाँ पर ले रहे हैं इनकी परमाणवीय आयनिक त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले आप इसको समझें। किसी भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणवीय त्रिज्या कहते हैं। अब 3D श्रेणी के तत्वों की जो परमाणवीय त्रिज्याओं के जो मान है, यहाँ पर हमने टेबल नंबर 1 दी है, उसमें यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी आगे ले रहे हैं, दिखाई गया यहाँ पर। अब ये परमाणवीय त्रिज्याओं के अगर हम मान देखें, परमाणु त्रिज्याओं के मान देखें, तो स्कैंडियम जो तत्व है, इस स्कैंडियम तत्व की परमाणु त्रिज्याओं के मान 1.62 एंगस्ट्रॉम है, टाइटेनियम के 1.47 एंगस्ट्रॉम है, वेनेडियम के 1.34 एंगस्ट्रॉम है, क्रोमियम के 1.27 एंगस्ट्रॉम है, मैंगनीज के 1.26 एंगस्ट्रॉम है, आयरन के 1.26, कोबाल्ट के 1.25, निकल के 1.24, कॉपर के 1.28 और जिंक का 1.38 जो कि टेबल नंबर 1 में दिया गया। देखिए, अगर हम इन मानों को ढंग से देखें, इनका ढंग से स्टडी करें, इनको देखें, इस वैल्यूज को देखें, परमाणु त्रिज्या की वैल्यूज को देखें, तो क्या होता है कि पहले जो है इनकी जो परमाणविक त्रिज्याओं के मान है जो है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान में कमी आती है। फिर बीच वाले जो तत्व है, इनिशियल में बीच वाले तत्व हैं, इनमें परमाणु त्रिज्या के मान लगभग से क्या है, सेम है। और जो लास्ट वाले तत्व हैं, इन लास्ट वाले तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जनरल ट्रेंड ये होता है कि हम किसी भी आवर्त में, पीरियोडिक टेबल में, चाहे कोई तत्व हो और या किसी भी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो कोष की संख्या जो होती है वो सेम रहती है, नया कोष नहीं बनता, और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी कोष में बढ़ती जाती है। उसी कोष में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन भर रहे हैं, तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है, और नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है तो परमाणवीय त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो या उनके आकार हो, उनके मान रेगुलर ट्रेंड में, नियमित क्रम में घटते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है जो आप जूनियर सीनियर में भी पढ़ते आते हैं, जो है घटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड, जो रेगुलर ट्रेंड है वो नहीं है यहाँ पर। अगर इसमें 3D श्रेणी के तत्वों में या ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है तो इनकी त्रिज्याओं के जो मान है वो रेगुलर ट्रेंड में घटने चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा ट्रेंड इस वैल्यूज को देखने पर नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स की परमाणवीय त्रिज्याओं के मानों को या इनके आकार को समझने के लिए यहाँ पर दो फैक्टर जो है वो दो फैक्टर आपको दो कारक जो है यहाँ पर समझने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स या नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल, जिसको हम नाभिकीय आकर्षण बल बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक फैक्टर लग रहा है वो जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट्स। तो देखिए, नाभिकीय आकर्षण बल आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, और ये जो शील्डिंग इफेक्ट्स है वो आपने पूर्व में यहाँ पर नहीं पढ़ा है, या पढ़ा होगा तो उसके बारे में जो है आप डिटेल से नहीं पढ़े। तो ये क्या है कि एक तो नंबर वन फैक्टर है तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। देखिए, नाभिकीय आकर्षण बल का मान एक कोष के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं आप,
तो एक कोष के अंदर जो है कोई नई सेल्स या नए कोष का निर्माण तो होता नहीं है, तो जैसे जैसे उस आउटर सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बनेंगे वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉन बनेंगे, और जैसे जैसे प्रोटॉन नाभिक में आएंगे न्यू सेल्स तो बन नहीं है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर बढ़ता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो उनके साइज घटेंगे या उनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान यहाँ पर घटेंगे। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो है या नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण जो बल है वो तो साइज को यहाँ पर घटाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा एक फैक्टर जो लग रहा है वो ये है परिरक्षण प्रभाव। तो ये जो परिरक्षण प्रभाव है ये नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण बल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के विपरीत कार्य करता है, ये त्रिज्या के मानों को या साइज को बढ़ाता है। तो इस दोनों फैक्टर यहाँ पर दो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, दो फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़रूरी आपको समझना है। परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, और ये परिरक्षण प्रभाव जब हमने एस ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ी थी या हमने पी ब्लॉक की केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पर आपने परिरक्षण प्रभाव नहीं पढ़ा, आपने देखने को नहीं मिला, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता। तो पहले थोड़ा सा जनरल इस चीज़ को समझ लें कि इन डी ब्लॉक तत्वों के अंदर या इन ट्रांजिशन एलिमेंटों के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो वहाँ भी पढ़ा था, हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था, पी ब्लॉक में पढ़ा था, वो बात तो वहाँ समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर ये जो नया जो फैक्टर आ गया वो है शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव जो आया है वो इन डी ब्लॉक तत्वों में ट्रांजिशन एलिमेंट में देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या है ये तो डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये डी ब्लॉक में ही आपको पढ़ने को मिल रहा है, यहाँ पर ही है। तो परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर क्यों हुआ, देखिए उसको समझ लीजिए आप कि जब हम डी ब्लॉक तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव का डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाया कि देखिए जब हम डी ब्लॉक तत्वों के अंदर अगर हम देखते हैं सिचुएशन नाभिक के बाद में जो है इसमें जो है एन माइनस वन डी कक्षक है और उसके बाद में एक एन एस कक्षक है। तो क्या है जो इसकी परमाणु त्रिज्या के मान होगा नाभिक और बाह्यतम कक्षक कौन सी होगी, एन एस कक्षक की दूरी होगी यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये जो एन एस कक्षक है ये बाह्यतम कक्षक है और ये जो n माइनस वन डी कक्षक है वो आंतरिक कक्षक है। तो आप जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था 3D श्रेणी के तत्वों का तो आपने समझा, वहाँ पर समझा था हमने कि 3D श्रेणी के तत्वों के अंदर जो है 4s कक्षक जो होती है 3D में जो 4s कक्षक है उस 4s कक्षक पूर्ण रूप से भरी होती है। s कक्षक पोटेशियम और कैल्शियम में दो इलेक्ट्रॉन 4s में बनने के बाद में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो डी कक्षक में भरेंगे, 3D कक्षक में भरेंगे जो कि आंतरिक कक्षक है, इनर ऑर्बिटल है, और इसलिए यहाँ पर लिखा है एन माइनस वन डी कक्षक है। इसलिए इन डी ब्लॉक तत्वों के अंदर ये प्रभाव परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम एस ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एस ब्लॉक में एन एस कक्षक बाह्यतम कक्षक है, उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जब हम पी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एन पी बाह्यतम कक्षक है और उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पर परिरक्षण प्रभाव नहीं होगा। डी ब्लॉक तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव इसलिए होगा यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एन माइनस वन डी कक्षक में बढ़ते हैं, आंतरिक कक्षक में बढ़ते हैं, ना कि बाह्यतम कक्षक में। और जिन तत्वों के अंदर आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं, जिन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में नहीं बढ़कर आंतरिक कक्षक में बढ़ते हैं उनमें ये शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो फैक्टर हैं ये इसमें बहुत मोस्टली जो 100% इस परिरक्षण प्रभाव के ऊपर किसी न किसी रूप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ढंग से समझ लें, है ना। अब आप यहाँ पर मैंने बताया कि इस परमाणु त्रिज्या या डी आकार को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर हैं, पहला नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बल जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये साइज को घटाएगा, लेकिन जैसे जैसे आंतरिक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उन आंतरिक कक्षक के डी इलेक्ट्रॉन जो आंतरिक कक्षक में जो मैं आंतरिक डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे तो वो नाभिक से उसको दूर धकेलेंगे। तो कहने का मतलब परिरक्षण प्रभाव साइज बढ़ाएगा और नाभिकीय आकर्षण बल या नाभिक वायतम इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल साइज को घटाएगा। इसलिए ये दोनों कॉन्ट्रा, जहाँ पर जो फैक्टर डोमिनेंट होगा, अगर नाभिकीय आकर्षण बल डोमिनेंट है तो साइज बढ़ेगा, और अगर परिरक्षण साइज घटेगा, सॉरी अगर नाभिकीय आकर्षण बल डोमिनेंट है साइज घटेगा, और अगर परिरक्षण प्रभाव डोमिनेंट है तो साइज यहाँ पर बढ़ेगा, या दोनों ही एक दूसरे के समान है या दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ना साइज घटेगा और ना ही साइज बढ़ेगा। इसलिए डी ब्लॉक तत्वों के अंदर जो है साइज, जो साइज है या परमाणविक त्रिज्याओं के मान का रेगुलर ट्रेंड नहीं है। अब इसको, ये तो चीज़ आपको जनरल चीज़ समझ में आ गई, अब इसको मैं यहाँ पर जो है आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नाभिक बाय इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल जो है संयोजकता बंध सिद्धांत, सॉरी संयोजकता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जाता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए हुए रहेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल और उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करेगा, अतः बाह्यतम कोष वही है और मुक्त क्वांटम संख्या का मान जो है समान है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणवीय आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि आवर्त सारणी में मैंने पहले बताया, एक आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं जाते हैं तो परमाणु संख्या के साथ साथ उनका आकार, परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका आकार कम होता है, नंबर फर्स्ट। अब दूसरा यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव आ गया। दो मिनट डायग्राम देखिए, इस परिरक्षण संगण तत्वों के अंदर डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, ये जो परिरक्षण प्रभाव है वो डी इलेक्ट्रॉन के की वजह से होगा, और ये जो डी कक्षक है एन माइनस वन डी कक्षक, जैसा मैंने डायग्राम चित्र नंबर एक में परिरक्षण प्रभाव डी ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया। देखिए नाभिक, फिर उसके बाद में जो कक्षक आई है वो आई है एन माइनस वन डी कक्षक, फिर उसके बाद में जो मैंने डार्क सा किया वो आई है एन एस कक्षक। अब नाभिक और नाभिक द्वारा आकर्षण एन एस कक्षक के मध्य की दूरी त्रिज्या होगी, तो देखिए क्या है कि ये जो मैंने दिखाया एन माइनस वन डी कक्षक और एन एस कक्षक के मध्य में, ये जो एन माइनस वन डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है जिनको हम भीतरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनके द्वारा परिरक्षण प्रभाव लगता है। कहने का मतलब इनके द्वारा एन माइनस वन डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और एन एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन में रिपल होगा, यहाँ पर एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा, और इसकी वजह से ये इस साइज घटने की बजाय परिरक्षण प्रभाव इन तत्वों के साइज को या त्रिज्या के मानों को बढ़ाएगा। तो देखिए इसको आप, ये डायग्राम में पूरा क्लियर हो गया। बाह्यतम या संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेश होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के दोनों में सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को यहाँ क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, सेम चार्ज है, और उसकी वजह से ये परिरक्षण प्रभाव इसके साइड मतलब ns के इलेक्ट्रॉन को प्रति मतलब नाभिक से दूर धकेलेगा, जिसकी वजह से इनके साइज बढ़ेंगे। देखिए संक्रमण तत्वों में या 3D श्रेणी के तत्वों, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम NS कक्षकों में नहीं भरते हैं, ये मैंने बताया, बल्कि अंदर के N-1 D कक्षक में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, और इस प्रकार यह कह सकते हैं कि ये बीच के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के आकर्षण बल को रोकते हैं, मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षण नाभिक को अट्रैक्ट नहीं करने देते हैं, जैसा चित्र नंबर में। अतः भीतर के इलेक्ट्रॉन के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ये शील्ड कर लेते हैं, मतलब ये उन नाभिक का जो आकर्षण बल है वहां तक नहीं पहुंचने देते, किस तक नहीं पहुंचने देते, NS कक्षक जो बाह्यतम है ये इसको शील्ड कर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, और जो इनका आकार बढ़ जो इन परमाणुओं के आकार को बढ़ाता है या इसकी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी के तत्वों का आकार बढ़ जाता है। देखिए आप
संक्रमण श्रेणी की अगर वैल्यूज आप हमने देखी यहाँ पर, प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण, शुरू में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव नहीं होता और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है और परमाणविक त्रिज्याओं के मान में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। ये देखा है हमने संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व, जो अंतिम तत्व है उनमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो वो ज़्यादा शील्ड करेंगे या परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा लगेगा। अधिक डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में कौन सा, नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है या परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा पड़ता है वहाँ, नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है और उनकी परमाणवीय त्रिज्याओं के मानों में क्या हो जाती है, वृद्धि, जो वैल्यू में देख रही है मतलब बढ़ जाते हैं लास्ट मानों के। और जो बीच के तत्व हैं जिनमें वैल्यूज लगभग सी समान है, बहुत कम डिफरेंसेज है, तो बीच के तत्वों में क्या है, परमाणवीय त्रिज्या में बीच के तत्वों में क्या है, दोनों जो एक नाभिकीय आकर्षण बल तो घटाएगा साइज और परिरक्षण प्रभाव बढ़ाएगा, तो ये दोनों विपरीत प्रभाव वाले एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित। कहने का मतलब जितना वहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है उसी के अनुपात में लगभग परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो ना तो साइज घटेगा ना ही साइज बढ़ेगा। कहने का मतलब परमाणु बीच वाले तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर रहेंगे, लगभग कांस्टेंट से रहेंगे, लगभग बहुत कम चेंजेज होगा, जैसा कि टेबल नंबर 1 में वैल्यूज में स्पष्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये बच्चों कि परिरक्षण प्रभाव की वजह से, परिरक्षण प्रभाव की वजह से जो एक रेगुलर ट्रेंड होना चाहिए, रेगुलर ट्रेंड क्या होता, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक अगर हम जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव नहीं होता, तो इनके साइज घटते लगातार रेगुलर ट्रेंड में घटते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोष तो वही रहता है यहाँ पर, नाभिक में वो उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर होता, तो उसकी वजह से यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड रहता, लेकिन वो रेगुलर ट्रेंड या डी ब्लॉक तत्वों में परमाणु त्रिज्याओं के मानों में देखने को नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है डी ब्लॉक तत्वों के अंदर परमाणु त्रिज्याओं के जो मान में जो इरेगुलर ट्रेंड है, अनियमित क्रम है बढ़ने और घटने का, उसके लिए यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट रेस्पॉन्स है जिम्मेदार है। और ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर, 3D श्रेणी के तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन एन भायतम एन एस कक्षक में न भरकर N-1D आंतरिक कक्षक में बढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर परिरक्षण या शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर लगता है और इसी वजह से इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मानों में अनियमितता होती है या अनियमित क्रम में घटते हैं और बढ़ते हैं, जिसे हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझा यहाँ पर, है ना। इसी क्रम में हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें लेंगे हम इनकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या को लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये परिरक्षण प्रभाव या परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या जो सॉरी परमाणु त्रिज्या है या इनके आकार का नियमित क्रम क्यों नहीं है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्स है, तो इस परिरक्षण प्रभाव को आप ढंग से पढ़ें। इसका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, इसलिए ये आप यहाँ पर ढंग से समझ लें। और इस पर मैंने कहा था कि साइजों की वजह से या परमाणु त्रिज्या के मानों की वजह से इनके गुण बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ये इससे प्रभावित होगी जो है। तो आई होप आपको परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय अट्रैक्शन फोर्स जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो उसके बारे में बहुत कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।